हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोल्ड थेरेपी हमारी बॉडी के ऊपर कैसे वर्क करती है। आपने सुना होगा, कई सालों से हम आइस थेरेपी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आइस थेरेपी हमें हेल्प करती है पेन को कम करने के लिए, आपकी मसल के अंदर स्पाज़म को कम करने के लिए, स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए। अगर मसल में इनहिबिशन है तो उसके अंदर एक्साइटेटरी मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए भी हम आइस का यूज़ कर सकते हैं। तो आइस थेरेपी और कोल्ड थेरेपी हमारी बॉडी के ऊपर काम कैसे करती है? जब हम आइस को हमारी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो ऐसा क्या चेंजेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग कम होती है और जो टिश्यू रिपेयर है वो स्टार्ट होता है? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे लुईस हंटिंग रिएक्शन के बारे में और कोल्ड थेरेपी कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करती है उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कोल्ड थेरेपी, जब आप आइस को अपनी स्किन पर रखते हैं तो बेसिकली ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग कम होती है और जो टिश्यू डैमेज है वो रिपेयर होना स्टार्ट होता है? तो हम ये समझते हैं लुईस हंटिंग रिएक्शन से। साइंटिस्ट थे लुईस, जिसने हमको बताया कि हंटिंग रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप अपनी स्किन के ऊपर आइस रखते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी स्किन हीट को प्रिजर्व रखने के लिए, हमारी स्किन हीट को प्रिजर्व रखने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी के ऊपर या अपने स्किन सरफेस के ऊपर आइस को रखेंगे तो हीट को प्रिजर्व करने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर। स्टार्टिंग में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और कुछ समय बाद अल्टरनेटिव पीरियड पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होता रहेगा जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो आइस जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर तक नहीं आ जाती, जब तक अल्टरनेटिव पीरियड पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होता रहेगा। तो ये लुईस हंटिंग रिएक्शन हमें बताना क्या चाहती है? देखिए, जैसे ही आपने आइस रखा, हमारी बॉडी ने क्या किया कि हीट को प्रिजर्व रखने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों किया? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसने किया हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज एरिया है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वसेशन है ब्लड का। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वसेशन को रोकने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया गया, और अब जब एक बार टिश्यू डैमेज के अंदर एक्स्ट्रा वेसेशन रोक दिया गया उसके बाद क्या हुआ, अल्टरनेटिव पीरियड में वैसो डायलेशन हो रहा है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये वैसो डायलेशन क्या करता है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टेरियो वीनस एनास्टोमोसिस है उसको क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर स्किन के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, जिससे न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होगा और जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, कल से आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जब भी कोई स्पोर्ट्स प्लेयर इंजर होता है तो सबसे पहले फिजियो क्या लेके भागता है, आइस लेके भागता है, और उसके बाद सबसे पहले आइस लगाई जाती है और उसके बाद कंप्रेशन बैंडेजेस अलग अलग तरीके से उनको लगाई जाती है। तो सबसे पहले आइस लगाई जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड को रोकना है टिश्यू के अंदर, और उसके बाद मेटाबॉलिक चेंजेस जो होंगे वैसो डायलेशन की वजह से, जहाँ पर आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा जिससे स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगा। इस मीनवाइल जो हंटिंग हो रही है जहाँ पे, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन हो रहा है, इसको ही हम बोलते हैं लुईस हंटिंग रिएक्शन, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होता है, और जो जिस जगह पर इंजरी हुई है वहाँ पर जो रिपेयर है वो स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना होगा जब बैट सोर होता है तो बैट सोर के अंदर हम क्यूब मसाज, आइस क्यूब मसाज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमें जो टिश्यू रिपेयर है उसको एक्सेलरेट किया करना होता है। इस वजह से बैट सोर के पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप जो बैट सोर है वहाँ पर आइस क्यूब से मसाज कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो टिश्यू डैमेज है उसके अंदर, उसके रिपेयर के अंदर एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसका रिपेयर तेज़ी से होगा। तो इस तरीके से लुईस हंटिंग रिएक्शन हमें समझाती है कि कैसे हमारी बॉडी में जब आप आइस क्यूब को रखते हो
इंजरी वाली जगह, तो वहाँ पर किस तरीके से रिएक्शंस होती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद वैसो डायलेशन होता है, जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर स्टार्ट होता है, स्वेलिंग कम की जाती है। तो ये प्रोसेस होता है सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स का। बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं आइस थेरेपी के, पर आज जिस टॉपिक पर हमने बात की है वो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब आप आइस थेरेपी को रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जैसे ही आपने आइस थेरेपी को हमारी बॉडी पर रखा, सडन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हीट को प्रिजर्व करने के लिए, उस समय एक्स्ट्रावासेशन ऑफ ब्लड हुआ टिश्यू डैमेज वाले पार्ट पे, और उसके बाद अल्टरनेटिव पीरियड पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन हो रहा है। मीन हंटिंग वाला जो पॉइंट है, इस जगह क्या होता है कि हमारे जो आर्टेरियोवेनस सिस्टम है हमारी बॉडी का, वहाँ पे वो आर्टेरियोवेनस जो एनास्टोमोसिस है वो क्लोज हो जाता है और हमारी जो कैपिलरीज है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और जो डैमेज टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होता है आइस थेरेपी के प्रति, जो कोल्ड थेरेपी से जो हीलिंग स्टार्ट होती है वो इस तरीके से होती है, सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स की आज की वीडियो में हमने बात की। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप कोल्ड थेरेपी के दूसरे रिस्पॉन्सेस के बारे में भी हमसे समझना चाहते हैं इजी वे में, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो।